प्रत्येक रविवार प्रातः 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल। मध्यप्रदेशस्य दमोह गुना मुरैना इत्येतेषु त्रिषु स्थलेषु प्रधानमंत्री मोदी अद्य करिष्यति नैर्वाचनिक प्रचार यात्रा। प्रियंका गांधी च उज्जैन देवास इंदौर इत्यत्र करिष्यति कांग्रेस दल प्रचारम्। तत्रैव छत्तीसगढ़ राज्ये राहुल गांधी संभालेत प्रचार दायित्वम्। राज्यसभायां विशेषाधिकार समितेः उपवेशनम् अद्य भविष्यति। आम आदमी पार्टी इति दलस्य सांसदं राघव चड्ढा इत्येतं संजय सिंहं च समेत्य टेरेक ओब्रायन इत्येतं विरुद्ध्य अभियोगेषु भवेत् चर्चा। लघु सीमांत कृषकाणां उत्थानाय सहकारी समितिना भूमिकायां जैविकोत्सर्जनस्य महत्व विषये अद्य दिल्ल्यां राष्ट्रीय संगोष्ठी। गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह संगोष्ठ्यां मुख्यातिथिः। सततं वर्धमाना अस्ति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रे प्रदूषण समस्या। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे वर्तमान स्थितौ कृतवान समीक्षोपवेशनम्। नवंबर मासस्य नवमे दशमे च दिनांके भारतस्य आतिथ्ये भवेत् वार्षिकी द्विपक्षीय मंत्रिस्तरीया वार्ता। संयुक्त राज्य अमेरिकीय विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, रक्षामंत्री लॉर्ड ऑस्टिन च उपवेशने सम्मिलितौ स्याताम्। इज़राइल देशस्य प्रधानमंत्री नेतन्याहु इत्यसौ उक्तवान् यत् गाजा नगरे इज़राइल सैन्यदलं करोति कार्याचरणं। संघर्षं विरुध्य हिज़्बुल्लाह संचेतितः प्रधानमन्त्रिणा। ICC विश्व चषक प्रतियोगितायां अद्य इंग्लैंड नीदरलैंड दलयोः स्पर्धा। ह्यः रोमाञ्चपूर्णे द्वन्द्वे ऑस्ट्रेलिया दलेन अफगानिस्तान दलं स्तोभत्रय हानिपुरस्सरं पराजितम्। ग्लेन मैक्सवेलस्य शतकद्वयं तत्र। अभिवादे, अहमस्मि नीतीश भारद्वाज, अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे अथ वार्ताः विस्तरेण। मध्यप्रदेशे विधानसभा निर्वाचनार्थं सर्वेपि प्रसिद्धाः प्रचारकाः अनवरतं युद्धस्तरे प्रचार कर्मरताः सन्ति। तत्रैव प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मध्यप्रदेशे भाजपा दलपक्षतः अद्य जनसभात्रयं कुर्यात्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सर्वादौ दमोह इत्यत्र प्रातः 11:30 जनसभां संबोधयिष्यति। एतदनन्तरं प्रधानमन्त्रिणः द्वितीया जनसभा गुना इत्यत्र मध्याह्ने प्रायः 12:15 भवेत्। मुरैना जनपदे च सायं 4:00 प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्यतनीयां अन्तिमां जनसभां करिष्यति। कांग्रेस दल पक्षतः मुख्यमंत्री पदस्य प्रतिस्पर्धी कमलनाथः, दिग्विजय सिंहः, अजय सिंहः च एकस्मिन् दिवसे एव अनेकाः जनसभाः कुर्वन्ति। तत्रैव कांग्रेस दलाध्यक्षः मल्लिकार्जुनः खड्गे, दलस्य महासचिवः प्रियंका गांधी अपि प्रचारं करोति। अद्य प्रियंका गांधीः जनसभात्रयं कुर्यात्। आदौ उज्जैननगरस्य सांवीर इत्यत्र जनसभां कुर्यात्, ततः च देवास इत्यत्र तस्याः जनसभा भविष्यति। ततः सायं 4:30 इंदौर नगरे प्रियंका गांधी प्रचार यात्रां कुर्यात्। छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा निर्वाचनाय द्वितीय चरणस्य अवशिष्टेभ्यः 70 विधानसभा सनेभ्यः प्रचार कार्यं तीव्रीभूतम्। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अद्य छत्तीसगढ़ राज्ये जनसभाद्वयं संबोधयेत्। तदीया प्रथमा जनसभा 12:30 जशपुर इत्यत्र भवेत्। द्वितीय च सभा अंबिकापुर इत्यत्र भविष्यति। मध्यप्रदेशस्य ग्वालियर जनपदे कांग्रेस दलाध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड़गे मंगलवासरे एकां नैर्वाचनिक जनसभां संबोधितवान्। सः भाजपा दलम् आक्षिपन् उक्तवान् यत् भाजपा दलम् निर्धनानां विषये चिंतनं न करोति इति। 5% लोग उनकी संपत्ति 60% है और 50% गरीबों की संपत्ति सिर्फ 3% है। राज्यसभायाः विशेषाधिकारः समितेः उपवेशनम् अद्य आयोजिता भवेत्।
इत्यस्मिन् उपवेशने आम आदमी पार्टीति दलस्य सांसदं राघव चड्ढा इत्येतं संजय सिंहं च समेत्य तृणमूल कांग्रेस दलस्य सांसदं डेरेक ओब्रायन इत्येतं विरुध्य विशेषाधिकार हनन संबद्धेषु अभियोगेषु चर्चा भवेत्। अवधातव्यं यत् पञ्चभिः सांसदैः विशेषाधिकाराणाम् उल्लंघनम् आलक्ष्य राघव चड्ढा इत्येषः आरोपितः आसीत्। तदनन्तरं च राघवः राज्यसभायां निलंबितः आसीत्। दिल्ली सेवा विधेयके अवैध हस्ताक्षर प्रकरणे अपि एषः आरोपी अस्ति। संजय सिंह अथ डेरेक ओब्रायन इत्यसौ अपि मर्यादा विरहिताय आचरणाय निलंबितौ स्तः। विशेषाधिकार समितिः च अन्वीक्षणं कुरुते। उत्तराखंड यात्रावधौ मंगलवासरे राष्ट्रपति पदासीन द्रौपदी मुर्मू पंतनगरस्य गोविंद वल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयस्य पंचत्रिंशत्तमं दीक्षांत समारोहं संबोधितवती। तया उक्तं यत् देशस्य प्रथम कृषि विश्वविद्यालयेन कृषिक्षेत्रे अमूल्य योगदानं कृतमस्ति। देश का ये प्रथम कृषि विश्वविद्यालय शुरुआत से ही कृषि शिक्षा अनुसंधान और प्रसार के लिए उत्कृष्टता का केंद्र बन गया था। मुझे ये भी बताया गया है कि 11,000 एकड़ से फैला ये विश्वविद्यालय दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से है। इस मल्टीडिसिप्लिनरी विश्वविद्यालय के परिसर में 8 महाविद्यालय कार्यरत है। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के एक उत्कृष्ट ब्रांड के रूप में जाना जाता है। देशस्य राजधान्यां दिल्ल्यां प्रदूषणस्य समस्या नितरां वर्धते। दिल्ली प्रशासनेन अस्य मासस्य 13 दिनांकात् ऑड इवन इति वाहन संबद्धायाः सम विषम संख्या नीतेः घोषणा कृता आसीत्। तत्रैव अस्मिन् प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयेन दिल्ली पंजाब प्रशासनयोः अयं निर्णयः अवैज्ञानिकत्वेन घोषितः। दिल्लीवासीनामपि अत्र कथनमस्ति यत् वाहन संबद्धा एषा सम विषम संख्या नीतिः प्रलापमात्रमस्ति। पर्वकाले एतेन जनानां समस्याः एव वर्धिष्यन्ते। तस्मात् दिल्ली प्रशासनेन अन्यः कश्चन उपायः कल्पनीयः इति। नवंबर मासस्य नवमे दशमे च दिनांकयोः भारतस्य आतिथ्ये वार्षिकी द्विपक्षीया मन्त्रिस्तरीया वार्ता भविष्यति। संयुक्त राज्य अमेरिकीयः विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन च उपवेशने सम्मिलितौ स्याताम्। महाराष्ट्रस्य यात्रावसरे भूटान नरेशस्य जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक इत्यस्य स्वागतं महाराष्ट्रस्य राज्यपालः रमेश बैसवर्यः मुंबई स्थिते राजभवने कृतवान्। अत्रावसरे भूटान नरेशः जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक इत्येषः महाराष्ट्रस्य मुख्यमंत्रिणं एकनाथ शिंदे इत्येतम् अपि मिलितवान्। सऊदी अरेबिया इत्यस्य देशस्य राजधान्यां रियाद इत्यत्र स्थिते भारतीय दूतावासे प्रवासी परिचय कार्यक्रमांतर्गतं संस्कृतोत्सवस्य आचरणं गत रविवासरे सम्पन्नतां गतम्। अयं हि कार्यक्रमः संस्कृत भारत्याः सहयोगेन तत्र समनुष्ठितं गतः। भारतीय मूलैः तत्र रियादवासिभिः बालैः महिलाजनैः च संस्कृतभाषया सांस्कृतिक कार्यक्रमाः प्रस्तुताः। कार्यक्रमस्य मुख्यातिथिः रियाद इत्यत्र भारतीय राजदूतः डॉक्टर सुहेल अजाज खान महोदयः संस्कृतभाषया स्वीयं संबोधनं प्रस्तुतवान्। अस्य कार्यक्रमस्य लक्षणं संस्कृतभाषायाः महत्वस्य स्पष्टीकरणम् अस्ति। प्रियमित्राणि, अस्मिन्वसरे अद्यतन अद्वितीय कार्यक्रमस्य संघटनाय संस्कृत भारतीयं प्रति मम निर्वाचित कृतज्ञतां
व्याहरामि। अनेन कार्यक्रमेण संस्कृत पठनार्य सर्वेषा प्रचोदयं भवति इति आशासे। सर्वेभ्यो धन्यवाद। जयतु भारतम्। आईसीसी विश्व चषक प्रतियोगितायाः रोमाञ्चपूर्णे द्वन्द्वे ऑस्ट्रेलिया दलेन अफगानिस्तान दलं स्तोभत्रय हानि पुरस्सरं पराजितम्। ऑस्ट्रेलिया दलस्य ग्लेन मैक्सवेल इत्येषः शतकद्वयं समर्जितवान्। मैक्सवेल इत्येषः षट्कं प्रदर्श्य स्वीयं द्वितीयं शतकं सम्पूरितवान्। तेन अष्टाविंशत्यधिकैकशतकन्दुकेषु एकविंशतिचतुष्कानि दशषट्कानि च प्रस्तुतानि। एशिया क्रीडासु भारतीय महिला हॉकी क्रीडा दलम विश्व मानांके अधुना षष्ठे स्थाने अस्ति। एशिया क्रीडासु भारतीय महिला दलेन कांस्य पदकं विजितम् आसीत्। भारतीय दलेन गतवर्षे अपि FIH प्रो लीग इति क्रीडायाः समये अपि मानांके षष्ठे स्थाने आसीत्। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।